अच्छा फिर मैं थोड़ी ही दूर बाजी भी मुखारे दे जा मेरे बाड़े दे जा मेरे बाप के चुदे ढेढ़ फिर उसने कड़ा सुनाई करा था। फिर मैं पता है यो डंड कून बरा है इसके मखा कून बरा है भाई की यो डंड मैं भरू हूँ अरे भी हो तो मैं इसका डंड काओ देना पड़ेगा। मखा भाई के ले होगा तू ये लकड़ी ले लिया अपनी या उनती होगी अक नहीं है मखा और अक मैं तो ये बाड़े काटू मैंने दोनों का नक अपने का हाथ ला लिए मखा बाड़े तो मैं कोई नहीं दू अक यो दिखा पिस्तौल मारूंगा मखा पिस्तौल कैमरा तू कितने मार दे पिस्तौल हाँ पिस्तौल मारूंगा मखा भाई तू कितनी गोली मार दे मैं बाड़े तक कोई नहीं देने की मखा अक भाई कदे मारा बोली काट दे मखा ना मैं नहीं काटू कती भी। अच्छा जारे आने देखा बस आदर्श का विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों आज आपको बताने दो कि आज मैं पहुँचा हूँ सफीद हल्के के गाँव भादरपुर में जो कि डिस्ट्रिक्ट जींद में पड़ता है और आप हमारे साथ देख सकते हैं हमारे साथ है दादी जी हमारे साथ है और इनके साथ है भी कल लगभग बता जा रहा है कि 1 बजे है इनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में क्या हुआ है एक बार कैमरामैन को मैं कहने दे रहा आए और दिखाए भी आप देख सकते हैं भी इनके कानों में है बाले थे और दोनों बाले हैं भी एक आता है वहाँ पर रजवाए पर जब दादी वहाँ पर लकड़ी लेने जाती है तो इनके बाले हैं वो तोड़ करके है ले जाते हैं और जिससे बाद में होता है क्या कि दोनों के दोनों जो कान हैं वो लहूलुहान हो जाते हैं और पूरा मामला है। बाकी हम जानना चाहेंगे हमारे साथ है दादी हमारे साथ है जुड़ चुकी है दादी जी आपका नाम क्या है? रोशनी। जो कल आपके साथ ये जो घटना हुई है तो कैसी हुई है एक बार दर्शकों को बताइए और आप किस टाइम वहाँ पर है लकड़ी देने के लिए वहाँ पर गए थे आप? 1 बजे के बाद अमान लाग रहे थे लकड़ी लेकर न और नजदीक का है बहुत दूर तक आए थे हम दोनों जने तो आगे से आया न्यून त्यून उल्टा जाओ था हम आवा थे वो जाओ था वो बोला कि ये लकड़ी गेर दो हमने गेर दी मखा आके लकड़ी क्यों चुगी मखा भाई चुग ली हमने तो ये छोटी छोटी लकड़ी चुगी है और हम उजाड़ बिगाड़ का तक दे चुगते नहीं और मैं तो 2 महीने में आई थी बीमार उठी थी तेन बोला कि यो पता है यो डंड कौन भरा है इसके मखा कौन भरा है भाई की यो डंड मैं भरू हूँ अरे भी हो तो इसका डंड काओ देना पड़ेगा मखा भाई के ले होगा तू ये लकड़ी ले ले अपनी या उनती होगी अक नहीं है मखा और अक मैं तो ये बाड़े काटू मैंने दोनों का नक अपने का हाथ ला लिए मखा बाड़े तो मैं कोई नहीं दू अक यो दिखा पिस्तौल मारूंगा मखा पिस्तौल कैमरा तू कितने मार दे पिस्तौल मैं बाड़े को नहीं दूँ फिर मैं यूँ अपने बाड़े ने पकड़ कर और बैठ जाऊँ फिर उन दोनों हाथ मेरे पकड़ कर एक हाथ में। लेकिन दादा जी आपने एक वीडियो में तो ये भी बोला है कि आपको ये तक भी पता नहीं है कि उसकी जेब में पिस्तौल है या चाकू है एक वीडियो में आप ऐसे ही बोल रही है। हाँ न्यू बोलू थी फिर मैं उन्हें न्यू कही पिस्तौल मारूंगा। अच्छा मैंने न्यू नहीं बेरा उसने दिखाया नू काट कर आपको ये नहीं पता है कि पता था कि उसका जेब में पिस्तौल है या फिर चाकू है? हाँ जी ये मैंने न्यू नहीं पता आपको ड्रापा दिया कि मैं आपको है पिस्तौल मार दूंगा। हाँ पिस्तौल मारूंगा मखा भाई तू कितनी गोली मारते मैं बाड़े तक कोई नहीं देने की मखा तो फिर वो मेरी जेठानी है वह डर गई अक भाई कदे मारा बोली काट दे मखा ना मैं नहीं काटू कती भी। अच्छा जब आपने दोनों कानों को पकड़ लिया था हाँ। उस टाइम पे हाँ। क्या जो आपकी जेठानी थी तो वो डर गई थी? हाँ वो डर गई जमा। अच्छा वो ना बेचारे दिन में कुछ भी नहीं कहा भाई तू ना खुश है खुश ले वो डर गई उसका कम नहीं चढ़ गई सहम गई डर गई। हाँ अतः कदे इसका मार दे फिर मैं मर गई मेरा मार दे या मेरी मराई है अतः फिर मैं कान पकड़ का अपने बैठ गई बैठ कर उसने हाथ मेरे कसकर छटवाए आध घंटे तक ही हम खचा चू न रहे। अच्छा हाँ वहाँ पे आसपास में आसपास में कोई नहीं था? कोई नहीं था हाँ खाली नहर थी जब। अच्छा कोई नहीं था तो आज तो मानस है क्यों नहर आ रही है पानी चल रहा है कल कोई नहीं था खाली नहर थी। फिर जो उसने धक्का पाई कर कमरे बाड़े खोज कर गोज मंगा लिया ना और बाइक पर चढ़ लग गया अतः फिर मैंने उसकी बाइक पीछे तो पकड़ ली। अच्छा फिर मैं थोड़ी ही दूर बाजी भी मखारे दे जा मेरे बाड़े दे जा मेरे बाप के चुदे ढेढ़ फिर उसने कड़ा सुनाया करा था फिर मैं उड़े बैठ कर यो खून लता लपेटा पहचान आपको हुई है उसकी? हाँ वो बाड़ है उसके और करा करा है और मोटे ही मुँह का है। अच्छा यह पछाना आगा मार्क सला रहा था आड़पट्टी बांध रहा था लीले लीले कपड़े पहन रहा था कोट तो जो था। इसकी जानकारी आपने पुलिस प्रशासन में दी है? हाँ दे रखी हमने कल दे तो दी क्या थी। कुछ अभी तक कार्रवाई रही है पुलिस प्रशासन भी आई लिए पुलिस अच्छा वो थाना वाले सीआई वाले हाँ सीआई वाले ये बूढ़े ले गए थे कल जो यो थाना कौन सा है मैं तो थाने का बने रहा वीडियो ब्लॉक में फिर आड़ उड़े भी ले गए थे शाम ने भी जीते हुए खालसा हुआ था अरे फिर ले गए थे सही सियाड़े उड़े।
अच्छा आप ये बताइए, जो ये हादसा है पहले भी कभी पहले हुआ? कदे नहीं होया भाई, मेरे मेरे के किसो का भी नहीं होया। अच्छा। ईसा तो होया है कौन? हाँ पहली बार होया। जब बता मैंने चले जा करते बूढ़ी बूढ़ी चौगड़ में खाले सवेरे शाम के लिए आवा लकड़ी थोड़ी बहुत चुकन सिलेंडर महंगे हो रहे हैं जा तो बस यह बात है भाई। ये बात थी हाँ। तो लगभग आप यहाँ घर से कब निकले थे लकड़ी देने के लिए? आड़े तथा हम 9:30 बजे गए थे और 1 बजे लकड़ी लेकर के आप घर की तरफ आ रहे थे। घर की तरफ आ रहे थे, आड़े सी आ लिए थे सीपन तक पीछे सी ये जो सीपन है और यो जावा था न्यून फिर उड़ा हमारे बरोटे घर आ लिए उसने। जी जी हाँ। युवक हमारे साथ है जुड़ चुके हैं, उनसे भी इस मामले पर हम बात करना चाहेंगे। राम राम जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका जी? मेरा कश्मीर सिंह फौजी है। आप दादी क्या लगते हो? मैं देवर लगता हूँ इनका। आप इनके देवर हैं। जो ये कल घटना हुई है, जो मामला हुआ है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग हमारे गांव में आए और ये इस घटना को जानकारी के बारे में जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि घटना तो घटना ही है और दुखद घटना है क्योंकि इतनी एज है इनकी, बुजुर्ग लेडीज हैं ये और इतना खून इनका कान से बह गया है तो बड़े दुख की बात है। और खौफ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि खौफ बिल्कुल नहीं है उस इंसान को, जो कि बिल्कुल गांव के पास में ही नदी है, ज़्यादा दूर भी नहीं है और हमारे इतने बड़े गाँव का किसी का भी उसको खौफ नहीं है कि बिल्कुल खौफ से परे होकर के वो ये घटना को अंजाम देके गया है। जी जी जी। है जी? आपके घर से लगभग कितनी दूरी पर होना है? 1 किलोमीटर दूर है बस। सिर्फ 1 किलोमीटर? हाँ, 1 किलोमीटर पूरा भी नहीं होगा। ज्यादा दूर नहीं है गांव से। और दुर्भाग्य की बात ये है कि कल वहाँ पे कोई था नहीं तो खेत क्यार में लोग मिल जाते हैं। और जो रब जाया वो 3 नंबर है, वो भी सूखा पड़ा था, पानी नहीं था उसके अंदर, पानी आज चला है। तो काफ़ी दुख की बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम बच्चे भी हैं, परिवार भी है, गांव के लोग भी हैं, सहमे से हैं इस घटना के बाद, क्योंकि बच्चे भी खेलते रहते हैं तो बच्चों का भी डर रहेगा, बहन बेटी भी बाहर जाती हैं, खेत क्यार में सब काम करते हैं, वहाँ भी डर लगा रहेगा। अब तो ये जो इतनी बड़ी घटना उन्होंने की है, और पुलिस प्रशासन देखिए अपनी कार्रवाई में लगा है और क्या उम्मीद है हमें, क्या अंजाम निकल के आता है। तो पुलिस प्रशासन के पास आप गए थे? हाँ हाँ, पुलिस प्रशासन के पास गए थे, FIR दी है और मेडिकल भी हुआ है, सब कुछ कार्रवाई हो चुकी है और जींद से भी CI स्टाफ वगैरह आए हैं, इंक्वायरी में लगे हुए। तो विश्वास है हमें कुछ ना कुछ, जो पुलिस प्रशासन है वो अपनी तरफ से है कार्रवाई कर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो कार्रवाई संतुष्ट है उनकी। हाँ बिल्कुल जी। और मैं एक बात और कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, सबसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा जो देखने वाले हैं कि भी अपने बच्चों पे नज़र रखें, अपने परिवार पे नज़र रखें, बुजुर्गों को भी समझाएं, किसी का दिया लिया ना खाएं। और ऐसी घटनाएं जो घट रही हैं, ऐसे अपरिचित लोग जो बाहर से आए हैं वो गांव के अंदर या अपने उसमें घुसते हैं, तो उनके बारे में जानकारी लें या उनसे पूछे भाई कौन है तू क्या है, और एक दूसरे अड़ोस पड़ोस में बताएं और ऐसे लोगों से सावधान रहें। सावधान रहें जी। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं जो भी तस्वीरें हैं, आप सफीदो हलके के बहादुरपुर से है, आप ये तस्वीर आप जो देख पा रहे थे, दादी जी थी वो लकड़ी लेने के लिए है भाई रजवाई पर है, जाती है, होता क्या है कि जब वहाँ पर लकड़ी लेने जाती है वहाँ पर एक जो युवक है आता है और उनके जो दोनों कानों में जो बाले होते हैं उनको तोड़ करके है चले जाते हैं और उनको हल्लू लुहान करके भाग जाते हैं। तो अब इसकी जो सूचना है अभी प्रशासन के पास पहुंच चुकी है और प्रशासन है इस कार्रवाई में लगा हुआ है। तो जितने साथ ही इस वक्त आप जो तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं, तो आप इन तस्वीरों का लगातार